मेरा नाम चंचल देशवाल है और मैं एक सेल्स कोच हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि एज ए सेल्स पर्सन हम अपनी सैलरी कैसे बढ़वा सकते हैं या हाई रिवेन्यू कैसे ला सकते हैं कंपनी के लिए, और ऑब्वियसली उससे हाईली पेड सेल्स पर्सन कैसे बन सकते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ तीन ही फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है टिकट साइज, क्योंकि आप किसी ना किसी केस पर जब काम करते हैं वो एक तरह से एक टिकट साइज, उसका वैल्यू क्या है, उसकी रिवेन्यू कितना आने वाला, उस पर डिपेंड करता है। एक 10 लाख के केस पे भी उतने ही एफर्ट्स लगते हैं जितने कि 1 करोड़ के केस पे लगते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप अपनी सैलरी इंप्रूव कराना चाहते हैं तो अपनी केसेस का टिकट साइज इंप्रूव करिए। यू मस्ट हैव लर्न अपसेल एंड क्रॉस सेल, वो सारे मेथड्स मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर टिकट साइज। बिकॉज अगर 10 लाख का आप ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं तो 10% मार्जिन आपका 1 लाख होता है। इनकेस अगर आप 1 करोड़ का ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं तो उसका 10% मार्जिन आपका 10 लाख रुपीज होता है। सो पहला फैक्टर है, आपकी सैलरी इंप्रूव अगर करना चाहते हैं तो टिकट साइज इंप्रूव कीजिए। दूसरा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा जो फैक्टर होता है सैलरी इंक्रीज करने का या बिजनेस इंप्रूव करने का, वो होता है कंसिस्टेंट लीड्स। कोई एक लीड इंजन, मे बी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक लीड इंजन बना रखा होगा, बट वेदर यू आर फोकसिंग ऑन दैट लीड इंजन, आपके पास अगर कंसिस्टेंटली लीड्स आ रही हैं, केसेस आ रहे हैं, तो आपके पास रेवेन्यूज बढ़ेगा, क्योंकि टोटल टर्नओवर इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द टिकट साइज एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्लोजर, क्लोजर रेशो। क्लोजर रेशो क्या होता है कि आपने अगर 10 डील्स पे काम किया उसमें से कितनी डील्स आप क्लोज कर पा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से सेल्स वाले ना, उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से मिलेंगे, ज्यादा इस पे काम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। बट मैं इससे अपोजिट बोलता हूँ, किसी भी कस्टमर को आप मिल रहे हैं तो उसे एक प्रोडक्टिव टाइम दीजिए, उसको क्लोजर पे प्रॉपर फोकस करिए, ना कि आप मल्टीपल कस्टमर्स पे रेगुलर दौड़ते रहिए। आप 10 डील की बजाय 5 करिए, लेकिन उस 5 में से 4 क्लोज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 में से 2 क्लोज हो रही हैं। तो अगर आपका क्लोजर रेशो अच्छा है तो 100% आप एक अच्छी सैलरी पाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और फिर से समराइज कर देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट टिकट साइज अपना इंप्रूव करिए, दूसरा कंसिस्टेंट लीड फ्लो होना चाहिए आपके पास, और तीसरा क्लोजर रेशो पे फोकस करिए। थैंक्स अ लॉट।